तैयार हो जाइए। ठीक है सर, अपने आप को प्लीज आप म्यूट कर लेंगे उधर से। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और हम साथियों एक शानदार वीडियो देखेंगे, एक शानदार वीडियो देखेंगे। और इस वीडियो को दिखाने का मेरा कुछ उद्देश्य है, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल को रोटेट कर लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कुछ कुछ चीजें लिखी हुई आपको दिखाई देंगी इस वीडियो में। तो आप सभी तैयार हैं साथियों? तो चलिए मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, स्क्रीन में कुछ चीजें लिखाएगा ना, जो उसको ध्यान से देखिएगा। अभी क्या लिखा हुआ है, डीएम के लिए सब आसान है, दिखाई दे रहा है नीचे लिखा हुआ है। चलिए आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, इसमें एक ये चीज जो है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में, ठीक है, मनाली में पूरे एक हफ्ते फुल एंजॉय करते करते पूरे के पूरे 45,085 रुपए की इनकम। आप देख सकते हैं साथियों कितना जबरदस्त एंजॉयमेंट, पूरे एक हफ्ते इतना एंजॉय किया हम लोगों ने। एक से एक जगहों पे गए थे, ऐसी ऐसी जगहों पे गए थे जहां पे जाने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पूरे एक हफ्ते साथियों जिंदगी को हम लोगों ने भरपूर जिया, जिंदगी को हम लोगों ने भरपूर जिया। और साथियों और जो हमारी इनकम हुई उस एक हफ्ते के दौरान, पूरे के पूरे 45,000 रुपए की इनकम। आप में से कौन कौन लोग ऐसी इनकम और ऐसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं? सभी लोग चाहेंगे। कौन कौन लोग चाहते हैं, मैं जिनका वीडियो ऑन है उनको देख रहा हूं, इशारे से बताइए कौन कौन लोग ऐसी जिंदगी और ऐसी इनकम चाहते हैं। वाओ, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बहुत सारे लोग। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। कई लोग वीडियो ऑन कर करके अपना एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं। वाह, मजा आ गया साथ में। आप लोग का एक्साइटमेंट देख के मैं एक्साइटेड हो गया, क्योंकि सीरियसली मतलब ऐसी जिंदगी हर कोई पाना चाहता है, सही है कि नहीं? ऐसी जिंदगी हर कोई पाना चाहता है कि लाइफ को फुल एंजॉय करे और एंजॉय करते करते फुल पैसा कमाए। तो ऐसा कैसे होगा, ये मैं आप लोगों को आज के सेशन में जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत गंभीरता से आज के पूरे सेशन को लास्ट तक पूरी ईमानदारी से अटेंड करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग, वाह वाह वाह, सबका मैं देख रहा हूं रिस्पांस बहुत जबरदस्त है। वाह, बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वाह, कई सारे साथी हमारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए साथियों, अब मैं फाइनली ट्रेनिंग की ओर आपको लेके चलता हूँ, ट्रेनिंग के स्लाइड्स की ओर लेके चलता हूँ और आप सभी को बताने वाला हूं इस तरीके की जबरदस्त इनकम का राज। तो आप सभी का साथियों हार्दिक 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 स्वागत है आज के सेशन में। आप सभी अपना मोबाइल जो है उसको, अगर आप लेटे होंगे तो उठ जाइए, और अगर मोबाइल लेटा होगा उसको खड़ा होगा उसको लेटा लीजिए, ठीक है? तो चलिए साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के शानदार जानदार सेशन में। हमारे शानदार कंपनी डीएमपीएल और जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम केटीएस की तरफ से। अब डीएमपीएल में अब करना क्या है, वही काम जो डीएमपीएल के सफल लोग कर रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम जो लीडर्स कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, वो जो आपको बता रहे हैं वही आपको करना है। तो सवाल यह है कि करना क्या है, वही काम जो डीएमपीएल के सफल लोग कर रहे हैं, क्या करना है
वही काम आपको भी करना है जो डीएमपीएल के सफल लोग कर रहे हैं, मतलब उनका नकल करना है। नकल करने को लेके एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा नकल करने के बारे में कि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, मतलब बंदर सबसे अच्छा नकल करता है। और इंसान जो है, आप लोगों ने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, इंसान के पूर्वज कौन थे? बंदर। तो साथियों, बंदर लोग के बारे में एक क्वालिटी होती है कि वो जैसा देखता है वैसा करता है। तो एक बेहतरीन स्टोरी, एकदम शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक आदमी रहता है, वो टोपी बेचने का व्यवसाय करता था और दिन भर मेहनत करके बहुत थक गया रहता है। तो रास्ते में एक जगह वो रुक जाता है और थोड़ा सा पेड़ के छांव के नीचे आराम करूंगा सोच के लेटता है, और उसकी जितनी टोपियां रहती वहां उसको नीचे रख देता है। और आप देख सकते हैं एक टोपी को तकिया बना के रखा है। तो क्या होता है, बंदर लोग वहां पे ऊपर पेड़ में रहते हैं, आते हैं उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं, उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं। ये बड़ा परेशान हो जाता है, अरे यार क्या करूं। फिर ये इसको याद आता है, यार बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। तो ये क्या करता है, एक टोपी जिसको ये तकिया बना के रखा रहता है उसको नीचे फेंकता है। इसको देख के सारे बंदर वैसा ही करते हैं और ये अपनी टोपियों को समेटता है और घर चला जाता है। तो साथियों, ये कहानी है लगभग 150-200 साल पुरानी, पुराने जमाने की बात है ये। लेकिन फिर से मॉडर्न जमाने में एक बार यही कहानी फिर से रिपीट हुई। इसका जो पोता था, वो क्या किया, सेम घटना उसके साथ हुई, सेम टू सेम, सारी घटना सेम टू सेम हुई। और उसने जब टोपी को निकाल के नीचे फेंका, ये सोच के कि बंदर लोग वापस टोपी फेंकेंगे, तो आश्चर्य की बात है कि कोई भी बंदर टोपी नहीं फेंका। कोई भी बंदर वापस टोपी को फेंका नहीं। ये बोला, यार ये क्या हो रहा है भाई। तो उसने सोचा शायद हो सकता है बंदरों ने देखा नहीं होगा, तो वापस इसने दोबारा टोपी को फेंका। लेकिन मजे की बात है कि किसी बंदर ने टोपी नहीं फेंका। जब ये दो बार तीन बार ऐसा किया तो बंदरों का जो सरदार था वो नीचे उतरा और नीचे उतर के तड़ से इसको एक झापड़ मारा और बोला, बेटा तेरे दादाजी बस तेरे को स्टोरी नहीं बताए हैं, हमारे दादाजी भी हमको स्टोरी बताए हैं कि आज से 150 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था। तो अगली बार कोई आएगा तो उसको देख के टोपी को नीचे मत फेंकना। साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस स्टोरी को बताने का मतलब क्या है? इस स्टोरी को बताने का मतलब यह है कि पहले के जमाने की बात अलग थी, लेकिन अब के जमाने की बात अलग है। लोग जागरूक हो चुके हैं, अब आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। खास करके अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो जो काम आप करेंगे वो काम आपकी टीम करेगी, जो काम आप नहीं करेंगे वो काम आपकी टीम नहीं करेगी। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल करने का बिजनेस है। जो करेगा नकल वो करेगा सफल, जो करेगा नकल वो होगा सफल। साथियों, जो करेगा नकल वो होगा सफल, लेकिन जो लगाएगा अकल, वो कभी नहीं हो पाएगा सफल। ये बिजनेस अकल लगाने का नहीं है साथियों, दिमाग लगाने का नहीं है। पूरी ईमानदारी से जैसा जैसा आप अपने अपलाइन को देख रहे हैं वैसा वैसा आपको उनको डुप्लीकेशन करना है, वो चीज आपको करना है। और एक बात इसमें समझने की, आप जो बोलेंगे ना उसको लोग नहीं करेंगे, आप जो बोलेंगे लोग उसको नहीं करेंगे। एक मिनट ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं जो बोल रहा हूं मेरे तरफ देखिएगा ध्यान से। आप जो बोलेंगे लोग उसको नहीं करेंगे, लेकिन आप जो करेंगे ना उसको लोग जरूर करेंगे। सब लोग ध्यान से, जितने लोगों का वीडियो ऑन है और पूरी ईमानदारी से जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा, जैसा जैसा मैं कर रहा हूं वैसा वैसा आपको करना है, राइट। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं, वैसा वैसा आप लोगों को करना है, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं मेरे को, सभी लोग मेरे को ध्यान से देखिए, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा करना है। सबसे पहले अपना ये वाला हाथ, राइट हैंड, आप लोग सामने लाइए, ऐसे सामने लाइए, सभी लोग सामने लंबा, उसका जिससे अपना इधर वाला कान को पकड़िए, फिर इधर वाला कान पकड़िए, उसके बाद माथे को पकड़िए,
मैंने बोला माथे को पकड़िए, माथे को, ये माथा है क्या? मैंने बोला माथे को पकड़िए, लेकिन किसी ने नहीं पकड़ा। सब लोग कहाँ ले गए हाथ? यहाँ। अब नहीं करना, अब तो हो गया। तो साथियों, आप जो बोल रहे हैं ना उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जो कर रहे हैं ना सारा फर्क उससे पड़ता है। आप जो कर रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसको आप मानो या ना मानो हर कोई देख रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको वॉच कर रहे हैं लोग। आपके काम को भले देख पाए या ना देख पाए लोग, लेकिन आपके रिजल्ट को देख रहे हैं, और आपका रिजल्ट डिपेंड करता है आपके काम पे। ध्यान से सुनिएगा साथियों, मैं जो चीजें बोल रहा हूं, आपके काम को भले देख पाए ना देख पाए लोग, लेकिन आपके रिजल्ट को देख रहे हैं। तो अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और अगर आपको रिजल्ट आएगा तो लोग रिजल्ट लाने वाला काम करेंगे, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो लोग टाइम पास करेंगे, क्योंकि आप खुद वही कर रहे हैं। आप ज्ञान भले कुछ भी दो लोगों को, बोलो चाहे कुछ भी, लेकिन आप जो कर रहे हैं लोग वही करेंगे। तो साथियों, इस बिजनेस का सबसे बड़ा, सबसे मेन सक्सेस फॉर्मूला है, अगर आप फास्ट सक्सेस लेना चाहते हैं तो फास्ट काम करके दिखाओ। आज हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं कि डीएमपीएल में फास्ट सक्सेस कैसे लें, ये हमको पता चलेगा। तो साथियों, फास्ट सक्सेस लेने के लिए फास्ट काम करके दिखाइए। अगर आप फास्ट काम करके दिखाएंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली फास्ट काम करना सीख जाएगी। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बार फिर से स्लाइड्स की ओर चलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है? और पूरी ईमानदारी से इन चीजों पे हमको काम करना है, पूरी ईमानदारी से इन चीजों पे हमको काम करना है साथियों। तो अब बात आती है कि क्या चीजें हैं जिसकी हमें नकल करना है। हो सकता है आपके अपलाइन बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको सक्सेसफुल होना है तो जो सिस्टम में बताया जाता है उन चीजों का आपको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। सबसे पहले जो जिन चीजों की हमें नकल करना है उन चीजों को पूरी ईमानदारी से साथियों करना चालू कीजिए। सबसे पहले आपको करना है डीएमपीएल को ज्वाइन करने का कारण लिखना है। जी हाँ साथियों, डीएमपीएल को ज्वाइन करने का कारण लिखना है। क्या करना है? अपना कारण, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। कम से कम 10 ऐसे कारण जिन कारणों से आपको दिल से प्यार है, जिन चीजों को आप वाकई में दिल से चाहते हो पूरा करना, कि ये चीज मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसे 10 कारण लिखिए साथियों, और उन 10 कारणों में से एक कारण जो आपके लिए सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस एक कारण के लिए पागल हो जाइए साथियों काम करने के लिए। क्योंकि साथियों, जब तक आपका कारण, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं रहेगा ना, तब तक इस बिजनेस में आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी है। जब तक आपका लक्ष्य, आपका कारण स्पष्ट नहीं रहेगा कि इस बिजनेस को आपको क्यों करना है, तब तक आप इस बिजनेस में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्यहीन व्यक्ति जो होता है, लक्ष्यहीन व्यक्ति जो होता है, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह, तो पेंडुलम की तरह होता है, जो हिलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। आप लोगों ने घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा, यहां से वहां, यहां से वहां, दिन भर इधर से उधर हिलता रहेगा, लेकिन वो पहुंचता कहीं नहीं, जहां है वहीं रहता है। तो जब तक साथियों हमारे पास हमारा लक्ष्य, हमारा कारण निर्धारित नहीं रहेगा ना, तब तक हमको इस बिजनेस में कुछ भी हासिल होने होने वाला नहीं है। आप लोगों ने आज पटले सर को सुना, उन्होंने बताया कि मेरा एक ड्रीम बन गया है कि मैं जिस दिन रिटायरमेंट के लिए जाऊंगा तो अपने पूरे परिवार के सहित, अपने पूरे परिवार के सहित एक शानदार लग्जरी कार में वहां पे जाऊंगा। ये ड्रीम उन्होंने जिस दिन से बना लिया है, उस दिन से उनके अंदर एक अलग एनर्जी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आ चुकी है जिस दिन से उन्होंने अपना ये ड्रीम बना लिया है। आपका लक्ष्य, आपका सपना आपको एनर्जी देता है साथियों काम करने का। आपका काम करने का कारण आपको लगातार एनर्जी देता है, आपको लगातार एक्साइटमेंट देता है, उत्साह देता है काम करने का।
हर दिन हर ट्रेनर सुबह ट्रेनिंग में बताता है, इस बिजनेस में अगर आप 100% सफल होना चाहते हैं तो 90% आपकी सफलता आपके ड्रीम सॉरी आपके एक्साइटमेंट पे डिपेंड करता है। और आपके अंदर एक्साइटमेंट कहाँ से आएगा? एक्साइटमेंट आएगा आपके ड्रीम, आपके लक्ष्य से, आपके कारण से। तो साथियों जरूर अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। सबसे पहला लक्ष्य हर किसी का जो होना चाहिए, जल्द से जल्द पहला जो रैंक है गोल्ड रैंक, इसको हासिल करने का आपका टारगेट होना चाहिए। और एक बार अगर आप गोल्ड बन गए तो आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए अपनी टीम में लोगों को गोल्ड बनने में मदद करने। जी हाँ साथियों, इस बिजनेस में सक्सेस होना एकदम 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 ज्यादा सिंपल है। आप गोल्ड बन गए, सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? जो कंपनी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से कुछ टारगेट्स बने हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पर्सनल जो लक्ष्य, आपके टारगेट्स लिखने हैं, वो लक्ष्य आपको लिख लेना है, और वो तभी पूरे होंगे जब आप इन टारगेट्स को पूरा करेंगे। कंपनी ने कुछ चीजें बना के दी हुई है आपके सपोर्ट के लिए, आपको इन चीजों का आपको पूरा करना है। जल्द से जल्द आपको गोल्ड रैंक, पहला आपका लक्ष्य साथियों, कंपनी DMPL कंपनी में सिस्टम में, KTS सिस्टम में आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मेरे को गोल्ड बनना है, 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 गोल्ड बनना है। आपका पहला टारगेट, एकदम कसम खा लो उस चीज के लिए। और साथियों अगर आप एक बार गोल्ड बन गए तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टीम में लोगों को गोल्ड बनने में मदद करना है, बस इतना ही करना है। गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है। जैसे जैसे आप अपने लोगों को गोल्ड बनने में मदद करते जाएंगे, आपका सारा रैंक अचीव होता जाएगा। क्योंकि जितना भी यहाँ पे रैंक अचीवमेंट है, रैंक वन स्टार से लेकर के पहला जो रैंक है वन स्टार का, वहां से लेके 14वां जो रैंक है क्राउन प्रेसिडेंट का, एक दिन का, जहां से आप 84 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम ले सकते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, लोगों को गोल्ड बनाना है। तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपना गोल्ड रैंक अचीव किया कि नहीं, और आपके साथ लोगों ने गोल्ड रैंक अचीव किया कि नहीं। तो 100% फोकस हमको इसी चीज पे लगाना है, पूरा ताकत पूरा एनर्जी इसी चीज पे लगाना है। और एक बार अगर आप गोल्ड बन गए तो भाई आपको तो पता है ना कैसे आप गोल्ड बने हो, सिंपल सी बात है, जो जो काम करके आप गोल्ड बने हो वही वही काम करने के लिए आपको अपने लोगों को मदद करना है, तो वो भी गोल्ड बन जाएंगे, सही है कि नहीं? तो साथियों बड़ा बड़ी आसानी से आप इस बिजनेस में बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। अपने बड़े से बड़े सपने को, अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को जो आपने लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो आज आपको लिखना है। और साथियों उन बड़े से बड़े सपनों को आप पूरा कर सकते हैं सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला अपना के, कि भैया क्या करना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है। कमऑन मेरे साथ सब लोग दोहराएंगे, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, यही करना है साथियों, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है। आप इस गाने को रट लो, आपके लाइफ का फार्मूला बना लो आप इस चीज को, कि गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है, गोल्ड बनना है और गोल्ड बनाना है। अगर यही आप करते चलोगे साथियों, एक दिन का 84 लाख रुपए आने वाला आपके खाते में, सोच के देख लीजिए कितनी कितनी बड़ी बात है। यही करते करते साथियों हम मात्र मात्र 14 महीने के अंदर लगभग लगभग 70 लाख के आसपास की इनकम को टच करने जा रहे हैं। तो साथियों ये बहुत सिंपल था। एक चीज और बहुत अच्छा कंपनी ने दिया है अभी हमें, आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए शानदार जानदार गोवा टूर का टारगेट मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। फ्रेशर के लिए मात्र 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 40,000 रुपए की इनकम का टारगेट है, गोल्ड के लिए मात्र मात्र 50,000 रुपए की इनकम का टारगेट है, वन स्टार टू स्टार लोगों के लिए टोटल 70,000 रुपए की इनकम का टारगेट है, थ्री स्टार लोगों के लिए मात्र 80,000 रुपए की इनकम का टारगेट है, पर्ल के लिए 1 लाख, बाकी आगे समझदार है लीडर्स अपना टारगेट आप खुद जानते हैं। साथियों इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच अपनी एक आईडी पे, किसी भी एक आईडी पे ये जो इनकम लिखा हुआ है उसको आपको अचीव करना है, ठीक है? तो इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अवार्ड रिवार्ड इनकम इसमें कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? गोवा टूर का टारगेट है, गोवा आने जाने का अपना रिजर्वेशन का जो अरेंजमेंट है वो आपको खुद से करना है। इस ऑफर में आने जाने का जो सिस्टम है वो शामिल नहीं है, ठीक है? आने जाने का जो है अपना रिजर्वेशन वगैरह अरेंजमेंट खुद करना है।
और ये जो टारगेट है केवल एक आईडी के लिए एप्लीकेबल है। तो साथियों ये जबरदस्त गोवा टूर का ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे उनको जबरदस्त तरीके से साथियों कंपनी की तरफ से शानदार जानदार गोवा टूर में लेके जाया जाएगा। और इससे सबसे खास बात यह साथियों कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करने में मदद मिलने वाली है, क्योंकि देखिए 2-3 महीने में क्या आप लग्जरी कार ले सकते हैं इस बिजनेस से? 2-3 महीने में क्या आप अपने सपनों का आलीशान महल बना सकते हैं इस बिजनेस से? 2-3 महीने में क्या आप डायमंड बन सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन साथियों 2-3 महीने में अगर आप लगातार कंपनी के इस तरीके से जो टारगेट्स आ रहे हैं इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो साथियों अपनी टीम की नजरों में आप उनके जबरदस्त रोल मॉडल बन सकते हैं, उनके लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, उनके सुपर हीरो बन सकते हैं जिनके जैसा वो लोग बनना चाहते हैं। तो साथियों इस टारगेट पे 100% फोकस कीजिए कि आपको इस टारगेट को क्वालिफाई करना है मतलब करना है। और ये गोवा टूर का टारगेट आपका तब क्वालिफाई हो पाएगा जब आप पूरी ईमानदारी से दोनों शिफ्ट की क्लोजिंग में सेल भेजने के लिए 100% एग्रेसिव होके काम करेंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं बट कुछ चीजें मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आप लोग के ग्रोथ के लिए। अभी तक साथियों हमने जब से कंपनी में ज्वाइन किया है, डीएमपीएल में हमने ज्वाइन किया है, तब से लेके आज तक कंपनी का कोई भी टूर का टारगेट आया है 100% श्योर गारंटी के साथ हमने कसम खा के उसके लिए काम किया और उसको क्वालिफाई किया। और साथियों लगातार कंपनी के ऑफर को अभी हम लोग 4 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, ये गोवा टूर क्वालिफाई होगा तो 5वां हो जाएगा। हमारे ज्वाइन करने के बाद अभी तक 4 ऑफर आया है, चारों में हमने क्वालिफाई किया है, ये 5वां ऑफर होगा, 5वें में फिर से हम क्वालिफाई होने वाले हैं। और इसका नतीजा है कि मात्र 14 महीने के अंदर लगभग 70 लाख रुपए की इनकम हम कर चुके हैं, जस्ट डायमंड बनने वाले हैं साथियों। तो अगर आप चाहते हैं आप भी कई लाख रुपए महीने की इनकम करें तो जो टारगेट है आपके सामने उस टारगेट के लिए पागल हो जाइए, क्योंकि साथियों ये जो छोटे छोटे टारगेट्स आते हैं ना, इन टारगेट्स को समझिएगा, इन टारगेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कोई आदमी को जंगल का आदमी है कोई, मान लो है ना आदिवासी, मतलब पिक्चरों में दिखाते हैं ना आदिवासी लोग लोगों को पकड़ लेते हैं बलि बलि चढ़ाने के लिए, वैसा कोई आदमी मान लो, अब उसको एक हाथी को खाना है तो वो उस हाथी को खा लेगा क्या? खा लेगा? नहीं खा पाएगा, सही है कि नहीं? कभी नहीं खा सकता। लेकिन आप सोचिए साथियों अगर कोई ऐसा तरीका हो कि उस हाथी को प्रिजर्व करके रख दिया जाए और उसको 1 साल के अंदर खाना हो, बड़े आराम से खा लेगा, सही है कि नहीं? थोड़ा 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 करके हाथी को भी खा जाएगा वो। तो वैसे ही साथियों आपके बड़े बड़े जो ड्रीम है ना वो एकदम से पूरे नहीं होते, ये जो छोटे छोटे टारगेट्स, आसान से टारगेट्स, ये जो कंपनी की तरफ से आपको जो टारगेट्स मिलते हैं इसको जब आप क्वालिफाई करते हो ना तो आपका बड़ा बड़ा सपना अपने आप पूरा होने लग जाता है। तो साथियों पूरे शिद्दत पूरे जुनून से अपने टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए आज से 100% फोकस होकर भिड़ जाइए, यही तरीका है आपको बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करने का। अब अगर आप इस टारगेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएमपीएल में अपना गोल सेट करना पड़ेगा। अभी हमने बात की अपने 10 सपने, अपने 10 लक्ष्य लिखने के लिए, और इन गोल्स को सेट करने बस से नहीं हो जाएगा, हवा में गोल्स, आपके सपने आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे, आपके लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी से अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में आप सफल तभी होंगे जब आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कब होंगे? जब आप ज्वाइन कराने के लिए लोगों को अपने साथ अपनी टीम में लाने के लिए कुछ करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। डीएमपीएल है तो सब आसान है, लेकिन बिना कुछ किए पैसा आ जाए तो फिर ऐसा तो
दुनिया में अगर कोई काम होता तो दुनिया के सारे लोग वही काम करते फिर, सही है कि नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा साथियों, तो कुछ जो करना है अब आपका काम चालू होता है। पहला काम ईमानदारी से लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने के बाद लोगों को इनवाइट करना, ये मुख्य रूप से आपका काम है साथियों। उसके बाद इनविटेशन करने के बाद क्या होता है, शाम को 6 बजे मीटिंग होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आपके लोग आते हैं, प्लान देखते हैं। उसके बाद एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है फॉलोअप। लोग जो प्लान देखे हैं उनके मन में कई सारे विचार, कई सारे सवाल, कई सारे ऑब्जेक्शंस और बहुत सारी चीजें रहती हैं। अगर वो स्पष्ट नहीं हुआ उनको, वो जो डाउट है उनके दिमाग में, जो कंफ्यूजन है, वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो हो सकता है लोग आपके साथ कभी भी ज्वाइन ना करें। और साथियों, अगर एक बार आपने लोगों को प्लान दिखाया तो तत्काल प्रभाव से उनका फॉलोअप करना जरूरी है। मात्र मात्र 24 घंटे के अंदर आपको उस व्यक्ति को आप फॉलोअप कर ही लेना चाहिए। अधिकतम से अधिकतम 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करके फाइनल क्लोजिंग कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे 48 घंटे के अंदर अंदर, अधिकतम से अधिकतम ना सेम डे फॉलोअप कर लेना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेना चाहिए। अगर किसी भी कारण नहीं हो पाया तो 48 घंटे के अंदर तो फॉलोअप हो ही जाना चाहिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लिख के ले लो, फिर उसका ज्वाइनिंग गया फिर आपके हाथ से। तो साथियों, दो काम है जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। बेसिकली आपका जो मुख्य काम है जिस पे आपको कुछ थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, मतलब लगाना पड़ेगा, बाकी सब काम तो अपने आप हो जाता है। गोल सेटिंग आपको घर में बैठ के करना, लिस्ट आपको घर में बैठ के बनाना है, सो द प्लान जूम मीटिंग में होता है। आपके हिस्से का जो काम करने वाला काम है ना, वो है इनविटेशन और फॉलोअप। इसी में आपको पूरी एनर्जी लगानी है। और इनविटेशन और फॉलोअप का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कैसे करना है, इस बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको जरूर जरूर जानना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके लिए आपको एक जबरदस्त वीडियो मिलेगा डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करें। एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा फॉर्मूला, आप लोगों ने देखा होगा। आज पटले सर ने अपनी टेस्टिमनी बताया, उनको रश्मि बघेल मैडम ने क्या बोला, कैसा रहेगा सर, और उसके बाद जो भी वो चाहते हैं, उनके पहचान के थे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आइडिया रहता है कि सामने वाला व्यक्ति किस टाइप का है, क्या चाहता है। तो वो जो चीज चाहते हैं उस चीज के बारे में बात कीजिए। कैसा रहेगा सर अगर घर बैठे आप अपने मोबाइल से काम करके, जो भी उनका स्टेटस है उसके हिसाब से उनको इनकम की बात करनी कि 10,000 कमा लेंगे, 15,000 कमा लेंगे, अगर स्टूडेंट है तो 5-6 हजार से ज्यादा की बात ना करें, अगर हाउसवाइफ है लेडीज है तो 8-10 हजार से ज्यादा की बात ना करें, अगर जॉब पर्सन है तो 10-15 हजार से ज्यादा की इनकम की बात ना करें पार्ट टाइम में अपने मोबाइल से काम करके, और बिजनेस पर्सन है अगर तो 20-25 हजार तक की बात कर सकते हैं पार्ट टाइम में घर से, मोबाइल से घर बैठे इनकम करने के लिए। तो साथियों, अगर आप ये सवाल लोगों से पूछेंगे कैसा रहेगा अगर आप अपना काम करते हुए घर घर बैठे काम करके मोबाइल से एक एक से 2 घंटे काम करके इनकम ले सके, हर कोई बोलेगा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे की जरूरत किसको नहीं है यार। अब इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें डूज हैं, क्या क्या डोंट्स हैं, क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, बहुत बारीकी से आपको सीखना समझना जरूरी है, क्योंकि सारा फर्क इसी से पड़ता है। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसा बात कर रहे हैं लोगों से, सारा फर्क इसी से पड़ता है। और मैं आपको 1,00,000% गारंटी दे सकता हूं, अगर हमारे कंपनी के डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जो कैसा रहेगा फॉर्मूला का, हमारे कंपनी के ग्रेट एमडी सर मिस्टर सौरभ साहू सर जी का जो वीडियो है इनविटेशन के लिए, कैसा रहेगा इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, डीएमपीएल में इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है ये, अगर इसको आपने पूरी ईमानदारी से देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आप जिसको इनवाइट करेंगे वो आने वाला है प्लान देखने के लिए। आपने जिसको भी प्लान के लिए इनवाइट किया, हर व्यक्ति प्लान देखने के लिए आएगा। आप मेरे से लिख के ले लो गारंटी, भले आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर, 100% लिख के आप मेरे से ले लीजिए।
अगर आप ईमानदारी से दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इस वीडियो को देखते हैं, इतना बेहतरीन आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आप जिसको बोलोगे वो आदमी प्लान अटेंड करेगा। तो कैसा रहेगा साथियों, अगर आपके इन्वेस्टमेंट से हर आदमी अगर प्लान अटेंड करने लग जाए तो कैसा रहेगा? बहुत जबरदस्त रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को देखना पड़ेगा, राइट साथियों। लिस्ट बनाने के बाद ध्यान रखें, जब तक कम से कम 200 लोगों का आपका इन्विटेशन पूरा नहीं हुआ है, आपको ज्यादा स्टेटस लगाने के स्टोरी फेसबुक में, स्टोरी इंस्टा में, इस सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से क्या करना है आपको, आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टा में, उसी में दिन भर लगे रहना है? नहीं, आपको पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से क्या करना है, आपकी जो अपनी लिस्ट है 200 लोगों की, 200, 300, 400, जितने ज्यादा लिस्ट बनाओगे उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 200 तो करना ही चाहिए। अगर आपने पहचान के कम से कम 200 लोगों को पर्सनली कॉल करके जब तक इनवाइट नहीं किया ना, फालतू के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब टोटल टाइम पास है, पता है। अगर आप इस बिजनेस में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज टोटल टाइम पास है। तो साथियों, पहले आप फोकस कीजिए अपनी लिस्ट पे, 200 लोगों की लिस्ट पे फुल एग्रेसिव होके काम करने का। उसके बाद फिर बाद में जब आपकी इनकम हो जाएगी तो स्टेटस लगाना चालू कीजिए। क्योंकि साथियों, अगर आप सोशल मीडिया में स्टेटस लगाते दिन भर बैठे रहेंगे, जब तक आपका इनकम नहीं दिखेगा तब तक आपको लोग बहुत ज्यादा संभावना है कि लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, और आपका स्टेटस देख के बहुत सारा दिमाग लगा लेंगे लोग, और फिर बाद में जब आप पैसा कमाने के बाद उनको कांटेक्ट करोगे तो आपको कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले देख के, स्टेटस आपका देख के बहुत सारा दिमाग लगा चुके हैं। तो साथियों, ध्यान रहे, जब तक 200 लोगों का इन्विटेशन पूरा नहीं हुआ है, आपको स्टेटस लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। और साथियों, पूरी ईमानदारी से, पूरे शिद्दत, पूरे जुनून से अपने लक्ष्यों के लिए पागलों की तरह भिड़ जाइए, क्योंकि एक चीज ऐसा होने वाला है साथियों, एक चीज ऐसा होने वाला है जिसका अगर आपने फायदा ले लिया ना, तो आपकी जिंदगी डीएमपीएल में आने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी साथियों, और वो है एलडीपी 8.0। जी हाँ साथियों, 6 अगस्त 2023 को एक शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक प्रोग्राम लगातार 7 बार हो चुका है, जिसको अटेंड जिन्होंने भी किया, और अपनी टीम से जितने भी लोगों को अटेंड कराया जिन्होंने, उनकी जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है। 7 LDP का फायदा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों। LDP 7 जो हमने अटेंड किया, उसका फायदा हमको ये मिला कि 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। LDP हमने 7 LDP अभी तक हम अटेंड कर चुके हैं, और अपने टीम के लोगों को अटेंड करा चुके हैं। अकेले से कुछ भी नहीं होता साथियों, हमको टीम एफर्ट के साथ में बिजनेस करना है, अपने साथियों को साथ लेकर के चलना है, और आपके साथियों को साथ लेकर के चलने के लिए हम सभी का सौभाग्य है कि हमारी कंपनी के MD सर लोग इतना जबरदस्त तरीके से हमारे लिए इस सेशन को डिजाइन किए हैं कि इस प्रोग्राम में आने वाले व्यक्ति की जिंदगी, उसका सोच, उसका माइंडसेट, उसको चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो आदमी जो इस LDP को अटेंड करता है ना, आता है तो काला कौवा रहता है, और जब वहां से अटेंड करके निकलता है ना, तो हंस बन चुका रहता है। आपके जितने भी लोग साथियों इस सेशन को अटेंड करेंगे ना, रियली बता रहा हूं, उनका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं जो बात, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग LDP में आएंगे ना आपकी टीम से, वो लोग धीरे धीरे, आप जो बड़े बड़े लीडर लोग को देखते हो ना, प्रकाश ठाकुर सर को, गोवर्धन साहू सर को, रामनारायण प्रजापति सर को, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं मेरे को, या आपके और भी कई सारे आपके अपलाइन हैं साथियों, आपके टीम के जो पार्टनर्स, आपके डाउनलाइन के जो पार्टनर्स है ना, इन लोगों के जैसे हो जाएंगे जिनका भी मैंने नाम लिया। कैसा रहेगा अगर आपके टीम पार्टनर्स जो हैं, जो आज
जीएमपीएल के डायमंड लीडर्स हैं उनके जैसे हो जाए अगर तुम, और एक बार में नहीं होता है बट लगातार अगर आप एलडीपी का फायदा लेते हैं साथियों, पूरी ईमानदारी से अपनी टीम में पूरे शिद्दत पूरे जुनून से इस चीज के लिए अगर लोगों को जागरूक करते हैं तो साथियों बहुत जल्द आपकी टीम में जबरदस्त तरीके से लीडर्स तैयार होंगे और आपका आपके पूरे जिंदगी की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। स्टैम्प पेपर पे गारंटी है इस एलडीपी का फायदा लेने से। तो साथियों इसका जरूर 100% नहीं 1000% फायदा लीजिए, जिंदगी बदलने की अपॉर्चुनिटी है ये। तो साथियों डीएमपी में फास्ट सक्सेस कैसे लें, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है बॉस, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ नया नहीं करना है कुछ नया नहीं करना है, जो बताया जा रहा है उसी करना है लेकिन दिक्कत क्या है ना, रोज जो भी मॉर्निंग के ट्रेनिंग में ट्रेनर आते हैं हमको बताते हैं तो हमको लगता है कि यार ये सब तो मैं जानता हूं, मेरे लिए तो इसमें कोई नई बात नहीं है यार एक चीज बताओ, फार्मूला किसी चीज का, कोई चीज को बनाने का फार्मूला सेम रहेगा तो वो चीज बेहतरीन बनेगा या चेंज हो जाएगा तो बेहतरीन बनेगा। कोई चीज को बनाने का फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला सेम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा या बदलता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखेगा बड़े बड़े 5-स्टार होटल में अच्छी अच्छी जगहों पर जब आप जाओगे वहां की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पता है, वहां पे आपको खाने का टेस्ट हमेशा एक जैसा मिलेगा, हमेशा हमेशा, क्योंकि वहां का रेसिपी वहां का फार्मूला फिक्स रहता है चीजों को बनाने का। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी ऐसी छोटे मोटे जगह पे चले जाओगे तो कभी कैसा रहेगा कभी कैसा रहेगा, रोज अलग अलग टेस्ट मिलता है आपको वहां पे, और इसीलिए लोग अरे यार यहाँ पता नहीं कैसा रहेगा ना कैसा, कोई मतलब नहीं बोल के जाते नहीं। तो साथियों आप समझिए, और अगर मान लो कोई छोटा मोटा भी होटल या कोई रेस्टोरेंट है वहां पे हमेशा एक बेहतरीन टेस्ट सेम टू सेम टेस्ट मिलता है तो बार बार जाते हैं लोग वहां पर। तो साथियों डीएमपी लें फास्ट सक्सेस कैसे लें, बहुत आसान है बहुत आसान है, जो बताया जा रहा है उसको करना है। नथिंग टू डू द न्यू, नथिंग टू डू द न्यू, जस्ट डू द ड्यू, नथिंग टू डू द न्यू, कुछ भी नया नहीं करना है, जस्ट डू द ड्यू। एक कोल्ड ड्रिंक का एड आपने देखा होगा, डू द ड्यू, देखा है ना आप लोगों ने, ड्यू करके कोल्ड ड्रिंक आता है उसका एड आता था ड्यू द ड्यू। तो इस बिजनेस में डीएम के लिए फास्ट सक्सेस लेना बहुत आसान है, नथिंग टू डू द न्यू, जस्ट डू द ड्यू, कुछ भी नया नहीं करना है, जो ड्यू है जो पेंडिंग है काम उसको करो। आप अपने आप को एनालाइज करो ईमानदारी से, अपने आप से पूछो कि जो काम बताया गया है अभी तक क्या आपने उसको पूरा किया है, अगर किया है तो पैसा आ रहा है और अगर नहीं किया है तो पैसा नहीं आ रहा है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित और आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के सहित आज का ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, और मिलते हैं साथियों शानदार जानदार जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में, सॉरी प्रेजेंटेशन में आज शाम को 6 बजे। कुछ भी नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, जो पेंडिंग काम बचे उसी को निपटाना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो इनवाइट करना है करना है करना है, कर नहीं रहे, उनको इनवाइट करो। बहुत दिन से सोच रहे हो लिस्ट को अपडेट करना है करना है करना है करना है, नहीं किए हो उसको अपडेट करो। तो नथिंग टू डू द न्यू, कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है, नथिंग टू डू द न्यू, कुछ भी नया नहीं करना है, जो पेंडिंग है जो ड्यू है उसी को करना है। थैंक यू वेरी मच साथियों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं शाम को 6 बजे के शानदार।